हेलो गाइस, वेलकम टू मैग मिश्रा चैनल। आज हम लोग naukri.com एक अच्छे से जॉब कैसे सर्च करें और इमीडिएट जॉब कैसे पाएं, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें मैं आपको naukri.com की वेबसाइट पे जाके सिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या चीज़ अपडेट करें और कैसे जो रिक्रूटर है उसका ध्यान आकर्षित करें और 100% शॉर्ट लिस्टिंग हो आपका। इसके लिए आपको ये वीडियो के अंत तक देखना है और समझना है कि कैसे आपको अपना naukri.com का प्रोफाइल बनाना है और कैसे उसको अपडेट रखना है, क्या क्या रेगुलर एक्टिविटीज़ करना है जिससे कि आपका रिज्यूम इमीडिएट शॉर्ट लिस्ट हो और आपको एक हफ्ते में जॉब मिल जाए। और अंत में मैं आपको 3 गोल्डन टिप्स दूंगा जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और आपको इमीडिएट जॉब सर्च करने में मदद करेगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज़ है कि naukri.com पे आपका प्रोफाइल बनाना है एंड वो प्रोफाइल जो है 100% अपडेटेड होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, कैसे naukri.com पे वो अपडेट करेंगे वो देखिए। ये आपका naukri.com प्रोफाइल है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोफाइल कंप्लीटनेस, जो प्रोफाइल का स्ट्रेंथ दिखा रहा है, दैट इज़ 45%। ये 45% नहीं होना चाहिए, ये 100% होना चाहिए। मीन्स आपका फर्स्ट थिंग इज़ आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट होना चाहिए, तभी कोई रिक्रूटर जब एक सूटेबल कैंडिडेट को सर्च करेगा तो आपका प्रोफाइल उसके सर्च में सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल इनकम्प्लीट है तो आप कभी उसके सर्च रेंज में नहीं आ पाओगे। पहला चीज़ और टॉप मोस्ट चीज़, आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीटेड होना चाहिए। ओके, दूसरा चीज़ रेगुलर अपडेट। आपको रेगुलरली वेबसाइट पे विज़िट करके कुछ न कुछ अपडेट करना है। ओके, अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको डेली अपनी वेबसाइट पे जाके कुछ न कुछ चीज़ें अपडेट करनी है, जिससे कि naukri.com को पता रहे कि आप एक रेगुलर विजिटर हैं। और जब कोई रिक्रूटर जॉब सर्च करता है तो रेगुलर विजिटर्स का प्रोफाइल सबसे पहले वो शो करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल सबसे टॉप में शो हो, और अगर टॉप में शो होता है तभी आपके सेलेक्ट होने या प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होने की चांसेस सबसे ज़्यादा होती है। तो आप चाहते हैं कि आपका प्रोफाइल सबसे ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट हो तो पहले आपको रेगुलरली जाके कुछ ना कुछ अपडेट करना है, आइदर योर कीवर्ड, CV, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, रिज्यूम हेडलाइंस, सर्टेन एजुकेशन और सम एक्स्ट्रा थिंग विच यू वांट टू ऐड। वो चीज़ आपको वहाँ पे जाके डेली अपडेट करना है। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है और आप अपने और अच्छे जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप वीक में एक बार या दो बार भी अपडेट कर सकते हैं, बट आपको रेगुलरली अपडेट करना है अगर आप इमीडिएट जॉब चेंज करना चाहते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, आपको जितना भी प्रोफाइल पे पेंडिंग एक्शंस है वो कंप्लीट करना है। वो कैसे देखते हैं, अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 पेंडिंग एक्शंस दिखा रहा है। तो ये कोई भी एक्शन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो इसमें जैसे आप देखेंगे कि क्या एक्शन पेंडिंग है, लाइक रिज्यूमे अटैच नहीं है तो अटैच करना है, फ़ोटो अपलोड करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन आपका पर्सनल डिटेल्स ऐड करना है, प्रोफाइल समरी ऐड करना है, आपको लैंग्वेज ऐड करना है, जॉब प्रोफाइल, एजुकेशन। ये सब ऐड करके आपको अपने प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है। कोई भी एक्शन पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है दैट इज की स्किल। तो आपको अपने फील्ड का स्पेसिफिक की स्किल जो आपका है वो डालना है। तो कोई भी रिक्रूटर क्या करता है, जब आप जॉब
जॉब वो कैंडिडेट को सर्च करता है तो वो की स्किल से सर्च करता है। जैसे उसको कोई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इंजीनियर चाहिए तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करके सर्च करेगा। और अगर आपके प्रोफाइल में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डाला हुआ की स्किल में, तो आपका प्रोफाइल उसके स्क्रीन पे विजिबल रहेगा। सो अपने फील्ड से रिलेटेड आपको की स्किल डालना है। आपका स्किल है फोटोशॉप, तो आपको फोटोशॉप को ऐड कर देना है अपने की स्किल में। आप लोगो डिज़ाइनर हैं तो आपको लोगो डिज़ाइनर को ऐड करना है। सो इस तरीके से आपको अपने की स्किल्स को यहाँ पे डालना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आपको अपने जॉब प्रोफाइल के हिसाब से की स्किल को ज़रूर डालना है और अपडेट करना है, तभी आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने का प्रोबेबिलिटी 100% बढ़ जाएगा। सो इसको डाल के आप यहाँ सेव कर दीजिएगा। सो की स्किल वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 100 में से मैं 50 नंबर की स्किल को दूंगा, देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है दैट इज़ रिज्यूम हेडलाइन। आपका रिज्यूम हेडलाइन जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हेडलाइन में, एक सिंगल लाइन में आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वो कैसे होगा देखिए, जैसे कि रिज्यूम हेडलाइन यहाँ पे मैंने डाला है, टेक्निकल ट्रेनर विथ 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग वर्किंग इन ABC कंपनी इन मुंबई। सो आपका कंप्लीट आ गया कि आप क्या हैं अभी। करंटली आप टेक्निकल ट्रेनर हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस है इन ट्रेनिंग फील्ड, और आप ABC की कंपनी में मुंबई में काम करते हैं। सो ये आपका एक डिटेल्ड रिज्यूम हेडलाइन एक सिंगल लाइन में आ गया, क्योंकि जब रिक्रूटर सर्च करेगा उसको एक सिंग पहले आपका हेडलाइन ही दिखेगा, और उसी बेस पे वो डिसाइड करेगा कि आपका प्रोफाइल देखें या ना देखें, या आपके प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करें या ना करें। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आफ्टर टैग लाइन। सो इसको भी आपको अच्छे से फ्रेम करके रिज्यूम हेडलाइन लिखना है। ओके, सो ये हो गया। अब हम बात करेंगे 3 गोल्डन टिप्स की। सो फर्स्ट टिप कि आपको जो प्रोफाइल बनाया है आपने, आपके प्रोफाइल को पोर्टल पे जाके रेगुलरली अपडेट करते रहना है। आपको स्किल्स, अपना प्रोफाइल, सर्टेन आपने कुछ प्रोजेक्ट किया है वो चीज़, वो आपको यहाँ पे ऐड करते रहना है। आपने कुछ अचीवमेंट लिया है, सो वो सब आपको डेली बेसिस पे कुछ न कुछ अपडेट करना है, तो ही Naukri.com आपके प्रोफाइल को सबसे पहले शो करेगा। ओके, सेकेंड इज़ अप्लाई मैक्सिमम जॉब एज पॉसिबल। आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा जॉब अप्लाई करते रहना है। डेली आप 100, 200, 300 जितना कर सकते हैं। आपके फील्ड का जॉब सर्च करिए, मैकेनिकल इंजीनियर आपको सर्च करना है तो आप मैकेनिकल इंजीनियर का जॉब सर्च करिए। आप अपने लोकेशन के हिसाब से, मैकेनिकल इंजीनियर मुंबई में 3,497 जॉब्स है। मुंबई मुंबई सर्बन में 100, नवी मुंबई में 289। फिर पैकेज के हिसाब से भी आप अपने इसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, कंपनी के हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, देन इंडस्ट्री के हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। सो इस हिसाब से आप जाके और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को आपको अप्लाई करना है, एज मच एज यू कैन। जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना आपको अप्लाई करना है। ओके, उसके बाद आपके जब आप अप्लाई यहाँ करते हैं तो ज़्यादातर जॉब्स में क्या होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे इसमें लिखा है वी आर हायरिंग प्लानिंग इंजीनियर, इफ़ इंटरेस्टेड शेयर योर रिज्यूम। तो यहाँ पे तो आपको अप्लाई करना ही है, आपको इस मेल आईडी पे रिज्यूमे भी भेजना है। आप अपने मेल आईडी से इस आईडी को कॉपी करके जाके मेल से इनको रिज्यूमे भेज देना है फॉर दिस पोस्ट, वो करना है। प्लस मोबाइल नंबर अगर यहाँ दिया है
तो उसमें भी आपको मोबाइल नंबर में भी आपको उनसे कॉल करके बात कर लेना है, फॉलो अप ले लेना है, तो ही आपका प्रोबेबिलिटी जॉब का और बढ़ जाएगा। सो ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे अप्लाई कर दिया चले, कहीं कहीं पे कंपनी इन्फो दिया है, आप कंपनी पे जाके भी उनके कंपनी पे रजिस्टर करिए, उनके कंपनी पे जाके रजिस्टर करिए और वहाँ पे भी आप जॉब को अप्लाई करिए। सो एक जगह पे नहीं है, जैसे यहाँ पे मैं इनके कंपनी की वेबसाइट पे आ गया, अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ करके यहाँ पे भी अप्लाई करिए। यहाँ पे आप अपना सबमिट रिज्यूम कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और यहाँ पे भी आप एक रजिस्टर कर सकते हैं कि कोई भी जॉब यहाँ इस कंपनी में आती है तो वो आपको एक इंटीमेशन भेजेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके आप तीन चार चीज़ें करनी है आपको। Naukri.com पे फटाक से तुरंत अप्लाई कर देना है, उसके बाद इसमें जो मेल आईडी और रेफरेंस दिया है वहाँ पे आपको रिज्यूम भेजना है, और अगर पॉसिबल है तो इनकी वेबसाइट पे जाके भी, इनके वेबसाइट पे जाके और वहाँ भी आपको अप्लाई कर देना है। तो आपका जॉब शॉर्टलिस्ट होना और आपको इंटरव्यू कॉल आना, दैट विल 100% श्योर। इसमें कोई भी चांस नहीं कि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट ना हो। सो ये आपको ज़रूर करना है, ज़रूर मतलब कंपलसरली करना है, ठीक है। सो कॉल करना है, मेल करना है, उनके वेब पोर्टल पे जाके भी आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंटरव्यूज़ आने लगेंगे, तो ट्राई मैक्स। उसके बाद जितना भी इंटरव्यू है सबको देना है, उससे क्या होगा, आप जितना ज़्यादा इंटरव्यू देंगे, पहला तो आपका इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने का। सेकेंड थिंग कि आपको मार्केट में कैसा क्वेश्चन चल रहा है, मार्केट का क्या ट्रेंड है, क्या आपके फील्ड का क्या सैलरी चल रहा है, वो सब भी आपको उस टाइम आपको पता चल जाएगा। तो मार्केट ट्रेंड पता चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और वहाँ पे जाके आपको और भी जो लोग आएंगे वहाँ से आपका नेटवर्किंग भी बहुत बढ़ने वाला है। सो आपको मैक्सिमम इंटरव्यूज़ अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और आप जब आपको अपना CV हमेशा अपडेटेड रखना है और अट्रैक्टिव रखना है। सो ये फाइनल 3 टिप्स अगर आप यूज़ करते हैं तो आप 1 हफ्ते के अंदर अपना ड्रीम जॉब विद लेस देन अ वीक, 1 हफ्ते से कम में ही आपका जॉब मिल जाएगा। बस आपको जो ये मेल आईडीज दिए रहते हैं इस पे आपको CV भेजना है, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आपको उनके उनके संपर्क में रहना है HR के, बिकॉज़ वो नंबर इसीलिए दिया है, मेल आईडी इसीलिए दिया है जैसे कि आप इमीडिएट उनके टच में आ पाए, ओके। और उसके बाद उनकी वेबसाइट पे भी जाके आपको रजिस्टर करना है और वहाँ पे भी आपको अप्लाई करते रहना है। सो आशा करता हूँ कि ये मेरा लेक्चर हिंदी में आपको अच्छा लगा होगा। ये एक लेक्चर सीरीज है, मैंने और भी कई सारे वीडियो जॉब पे बनाए हुए हैं जिसको आप देख के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप मेरे और भी सा डिटेल्ड वर्जन्स वीडियोज़ देख सकते हैं और मुझसे टच में रह सकते हैं। सो आप मेरे प्लीज़ आप मेरा चैनल ज्वाइन करिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच।